हाय फ्रेंड, देखिए आज हम ये थालपोस का डिज़ाइन लाए हैं आप लोग के लिए। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 0 नंबर का है, 1.75 mm का है क्रोशिया, और उलन मेरा 4 प्लाई का है। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम उलन लगा है। तो डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम ऐसे नॉट लगाएंगे पहले, और उसके बाद से 5 चेन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन करके पहले वाले में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे ये, और उसके बाद से 1 2 3 3 चेन कर लेंगे। हम डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे 2 हुआ है, और उसके बाद से 3, यहाँ पर 3 बना लिए हम। उसके बाद से 2 चेन कर लेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3, फिर से 2 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे, तो ऐसा हम 6 बना लेंगे। तो हमने ऐसे देखिए 6 बना लिया है, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 चेन करके और पहले वाले में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और ये कट करके निकाल लेंगे हम। देखिए, और इसे बैक साइड ऐसे लगा देंगे बचे हुए धागे को। ऐसे उसके बाद से हम वाइट कलर ले रहे हैं, और ऐसे लेके ये 2 2 चेन किए हैं, इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे पहले, और उसके बाद से हम धागे को ऐसे खींचेंगे, और हम इसमें ऐसे बना लेंगे, फंदे लेंगे और फिर धागे को खींचेंगे, और यहीं पे ऐसे ऐसे 2 हुआ। फिर से ऐसे धागे को लेंगे, ये खींच के इसके बराबर करेंगे, और फिर यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे 3 हो गया ये। उसके बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन करेंगे, फिर से हम फंदे लेंगे और धागे को ऐसे खींचेंगे हम फिर से इसके बराबर, और फिर इसके नीचे से ऐसे डबल क्रोशे हमें बनाना है, लेकिन लंबा सा खींचने के बाद से फिर ऐसे धागे को खींचेंगे, और फिर ऐसे 2 हुआ। फिर से ऐसे लेंगे और फिर ऐसे, देखिए तो 3 3 दोनों साइड हो गया। उसके बाद से फिर फंदे लेंगे हम, और फिर दूसरे वाले चेन में धागे को ऐसे खींचेंगे, इसके बराबर लाएंगे ऐसे, और फिर ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 ऐसे 3 बना लिए एक जगह ये। उसके बाद फिर 1 2 3 3 चेन कर रहे हैं, आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं आप लोग। फिर ऐसे फिर धागे को खींचेंगे, और फिर सेम चीज़ें 1 2 3 देखिए, फिर फंदे लेंगे फिर दूसरे वाले में, फिर ऐसे जाके ऐसे 1 2 3 और फिर से 3 चेन, और फिर से सेम चीज़ें बनाएंगे। तो राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमने राउंड में ऐसे बना लिया, फिर पहले वाले में ले के हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और ये कट करके निकाल लेंगे। देखिए, और इसे भी बैक साइड हम ऐसे लगा देते हैं। तो इसके बाद से सेम ऐसे बनाते जाएंगे, ज्वाइंट करते जाएंगे। तो हम इधर बनाए हैं, फिर
फिर एक दो चेन करेंगे और ये चेन है जो इसमें ज्वाइंट करना है हमें, ऐसे लेके और उल्टे साइड से पकड़ेंगे, ये सीधा साइड से ऐसे लेके हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक दो चेन फंदे लेंगे और हम फिर से धागे को खींचेंगे ऐसे और फिर बनाएंगे एक दो तीन ऐसे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें ऐसे ही धागे को फिर खींचेंगे एक दो तीन और फिर एक दो चेन करेंगे और ये जो है इस चेन में हमें ज्वाइंट करना है। फिर एक दो चेन फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ें, फिर धागे को खींचेंगे ऐसे, डबल क्रोशिया हमें बनाना है ऐसे, दो तीन, फिर फंदे लेंगे और फिर इसमें हम बनाएंगे सेम जैसा बनाए हैं, तीन बनाएंगे और फिर तीन चेन करेंगे, थ्री चेन, फिर से तीन बनाएंगे और इसमें ज्वाइंट करके कट कर लेंगे। इसके बाद से फिर सेम ऐसे ही ज्वाइंट होगा, तो ऐसे लेंगे और ये बनाए, फिर यहाँ पर दो चेन करेंगे और यहाँ पहले ज्वाइंट करेंगे हम ऐसे लेके, हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर एक दो चेन करेंगे और फिर सेम चीज़ें बनाएंगे हम, धागे को खींच के एक दो तीन, उसके बाद फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, तो धागे को खींचेंगे फिर एक दो तीन, तीन ऐसे बना लिए और उसके बाद से फिर हम दो चेन करेंगे और ये मिडिल में जो दोनों साइड से जॉइंट है इस पे जॉइंट करना है हमें, तो ऐसे लेके ऐसे बैक साइड से इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। फिर एक दो चेन फंदे लेंगे और फिर धागे को खींचेंगे, सेम ये चीज़ें बनाना है हमें, एक दो तीन ऐसे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे एक दो तीन, फिर दो चेन करेंगे, अब इधर साइड ये यहाँ जॉइंट कर लिए, फिर यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे हम, तो ऐसे यहाँ पर, फिर एक दो चेन, फिर से फंदे लेंगे और सेम चीज़ें एक दो तीन, देखिए अब उसके बाद फिर इस पे और इस पे ऐसा बन जाएगा, तो बना ले रहे हैं, तो देखिए अब ऐसे ही इधर भी जॉइंट होगा, तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे ही तीन तीन जगह जॉइंट करते करते हम और बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने एक दो तीन चार पाँच फाइव टिक्की जॉइंट कर लिया है, एक मिडिल में किया है, अब एक यहाँ पर छठा टिक्की जॉइंट होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, एक दो तीन चार, फोर जॉइंट पड़ेगा, ये सब थ्री थ्री जॉइंट करते हैं, यहाँ पर फोर जॉइंट पड़ेगा, तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और ये जॉइंट करते हुए बनाते हुए हम पूरा बना लेंगे, एक यहाँ और फिर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ, यहाँ बनाएंगे तो यहाँ ऐसे, तो हम ये कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये जॉइंट करते हुए यहाँ से स्टार्ट किया है, इसमें फिर इसमें और इसमें और फिर यहाँ जॉइंट कर लिया है, अब फिर सेम ये चीज़ें इधर बन जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखिए अब ये सेवन टिक्की पूरा जॉइंट हो गया मिडिल में, एक अच्छे राउंड में हुआ, अब इसके ऊपर फिर हम जॉइंट करेंगे। तो इसके बाद अब जॉइंट करने के लिए यहाँ पर पहले हम दो जगह जॉइंट करेंगे, तो पहला हम इसमें यहाँ पर और फिर दो चेन करके फिर सेम चीज़ें बना लेंगे, एक दो तीन, फिर इसमें भी अब एक दो तीन ऐसे बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे और दूसरा यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे हम ऐसे, फिर एक दो, दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर धागे को खींचेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाना है अब हमें,
से धागे को खींच के हमें ऐसे बना लेना है। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। तो अब इसके बाद से अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ जॉइंट करने के लिए पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, चार जॉइंट पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम फिर एक दो चेन करके फिर बनाएंगे ये। और ये पूरे पे हम जैसे जॉइंट किए वैसे जॉइंट करना है, एक एक बनाते जाना है और इसमें जॉइंट करते जाना है। तो ये कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये चार जगह जॉइंट कर लिया, एक दो तीन चार, चार जगह जॉइंट किया। अब उसके बाद इधर अब जॉइंट करेंगे तो यहाँ से तो एक दो तीन, तीन जगह जॉइंट पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर एक दो तीन, और जैसे यहाँ पर चार चौथा जॉइंट पड़ा वैसे इधर पड़ेगा। तो तीन चार जॉइंट करते करते हम राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। फिर लास्ट में दिखा रहे हैं कितना जॉइंट पड़ता है। तो देखिए हमने राउंड में पूरा कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट टिक्की यहाँ पर हमें जॉइंट करना है पूरा। हम 18 टिक्की जॉइंट कर चुके हैं, यहाँ पर 1900 टिक्की जॉइंट होगा। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फाइव जगह जॉइंट होगा ये। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिर सेम ये चीज़ें अब हम बनाएंगे, और ये बनाते हुए हम इसे पूरा यहाँ तक जॉइंट कर ले रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया, पूरा 19 टिक्की ये जॉइंट हो गया है। उसके बाद से अब ये कलर लेंगे, हम स्लॉट लगाएंगे और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो ऐसे बांध के एक दो तीन चार पाँच छ सात, सेवन चेन कर लेंगे और एक से दूसरे जाने वाला जगह है वहाँ पर ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात, सेवन चेन करेंगे और ये दोनों जॉइंट हैं यहाँ पर। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, और फिर ये एक से दूसरे जाने के बीच में ऐसे ही सेवन सेवन चेन करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। ये चारों तरफ से कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद से फिर पहले वाले में लेके ऐसे यहाँ जॉइंट कर लेंगे। और उसके बाद से हम इसमें मिडिल में ऐसे फ्लैट स्टिच से मिडिल में आ जा रहे हैं ऐसे। इसके मिडिल में हम ऐसे आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन और ढाई को खींचेंगे हम, और यहाँ पर हम पफ बना लेते हैं। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे चेन को इसके ऊपर चढ़ा के हम ऐसे बांध लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, और फिर ये दूसरे वाली चेन में हम ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर से एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन, फिर ढाई को खींचेंगे और सेम चीज़ें फिर बनाएंगे पफ। यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। अच्छा हम फाइव फाइव टाइम कर रहे हैं, आपको चाहिए तो और मोटा कर सकते हैं आप लोग। फिर ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के ये बांधेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन, और फिर यहाँ पर हम फाइव फाइव चेन करेंगे और ऐसे बनाते जाएंगे। तो पूरे जितना ये चेन है सब में हम बना ले रहे हैं ऐसे। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना के तैयार कर लिया है। ये डिजाइन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिज़ाइन लेके आएँ तो आप लोग के पास मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।